बताता हूँ, इंडिया के जाने वाले शायर सागर फराज जी से उनके पास लेकर चल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? शुक्रिया, मेरा नाम डॉक्टर सागर फराज है और तमाम बार मंचों पर आना जाना होता है। कुछ एल्बम्स भी निकले हैं, उल्फत द लविंग हार्ट जिसमें एक गज़ल है मेरी, उसके हंसते चेहरे से काफ़ी हिट गज़लों में से एक है, और बाकी मुशायरों में कवि सम्मेलन में जाना आना होता है। आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं आप मुंबई में, कैसा लग रहा है मेला महोत्सव प्रोग्राम? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेला महोत्सव में आपका प्रोग्राम मैंने देखा, एक अच्छी है, एक नई चीज़ है, एक नई टेक्निक है, बहुत अच्छा है। सर मैं आपको महफिल में बुलाना चाहूँगा क्योंकि हाँ मुशायरा शुरू होने वाला है। सर इधर कैमरे के सामने मैं क्या बोलूँगा, आप ही बोलूँगा। चलिए मैं बोल, सबसे पहले तो मैं आज अपनी सेना और अपने भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ मैं कि उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है शायद उसने, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, और प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है, और मेरी भीगी पलकों पर ये आंसू उसके हैं, याद में मेरी वो रोया हो ऐसा लगता है, और वो जब था तो घर भी अपना जन्नत लगता था, लेकिन अब ये घर भी जाने कैसा लगता है। और इसके साथ एक गज़ल के दो तीन शेर और कहता हूँ कि हमने मंजर ऐसे देखे, घायल पंछी उड़ते देखे, और महल बनाने वाले हमने फुटपाथों पर सोते देखे, और निकल पड़े आंसू मेरे भी जब भी रोते बच्चे देखे, और सत्य कथाओं के पन्नों पर सारे किस्से झूठे देखे। और इसके अलावा एक और गज़ल है, उसके दो तीन शेर कहता हूँ कि मैं दे रहा है जो दिल को सज़ा कौन है, आखिर इस दर्जा मुझसे खफा कौन है, और रात भर जो मुझे याद आता रहा उसका मैं कौन हूँ वो मेरा कौन है, उसका मैं कौन हूँ वो मेरा कौन है। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंडिया के जाने माने शायर सागर फराज जी के लिए। सर आप रुकना, मैं